हेलो। 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 आप सभी का एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ। और मैं मधु आज फिर आपके सामने क्ले आर्ट लेकर आई हूँ, और कुछ नया ही लेकर आई हूँ। और आज मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाली हूँ, जो मैं अभी क्लास लेकर आने वाली हूँ वो भी आज आपको दिखाने वाली हूँ। हेलो सीमा जी, आज अब तक अभी थोड़े और कैंडिडेट जुड़ते हैं, तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है सीमा जी? चलो मैं आपको इतने छोटे छोटे अपने आर्ट्स दिखाती हूँ जो मैंने पहले बनाए हैं। ये देखिए डॉल, अभी ये छोटे छोटे से बेबी बनाए हैं। सीमा जी ये देखिए, और कुछ और आपको दिखाती हूँ, डिफरेंट सी कुछ चीजें हैं। ये देखिए से डॉल, वेलकम वेलकम वेलकम। जल्दी से सब जुड़ जाइए, फिर आप लोगों को एक नई चीज मैं सिखाने वाली हूँ। ये देखिए डॉल, एनिमल्स भी हैं इस बार, तो बहुत सारे एनिमल हैं। ये देखिए एलिफेंट्स भी हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास, और स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और भी दिखाती हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। हेलो सुमन, सुमन जी कैसे हैं? छोटा सा, एक्चुअली मेरा भी फेवरेट हुआ करता था जब मैं छोटी थी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि छोटी थी, अभी भी मुझे अगर इसके कार्टून्स देखने को मिल जाए तो रियली मैं आज भी बहुत पसंद करती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने ये बनाया क्यूटी सा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैं अभी नई क्लास लेकर आई हूँ और जो आने वाली हूँ। अभी उसका हमने डिसाइड नहीं किया है कई चीजें, लेकिन मैं आपको फिर भी वो दिखा रही हूँ। अभी हमारी जो नई क्लास आएगी, जो पेड क्लास में आने वाली है ना? ये देखिए मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करती हूँ दिखाने के लिए। ये जो क्लास है पेड क्लास में, अभी ये मैं लेकर आने वाली हूँ। ये देखिए, और सिर्फ इसी एक क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत सारे आर्टिकल सीखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए इतने सारे आर्टिकल हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। एक ही क्लास में आप बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। ये देखिए, ये जैदे का पौधा होता है उसका है। ये देखिए, ये मैंने आपको फ्री क्लास में सिखाया था। मैंने कहा था ना कि मैं फ्री में क्लासेस में भी जो भी आपको सिखा रही हूं, मैं उसको कहीं ना कहीं अरेंज करना भी सिखाऊंगी, तो ये वो भी है।
आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसमें काफी सारी चीजें हैं। देखिए इसका दूसरा मैं दिखाती हूँ बिग, ये देखिए सी, ये तो छोटा है, और ये सेकंड वन जो थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है, ये देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। स्ट्रॉबेरी भी है, ये देखिए छोटा सा एक कैक्टस भी है, ये देखिए काफी सारी चीजें हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। और ऐसा नहीं है कि आप जब ये सीखेंगे तो आप सिर्फ यहां तक सीमित रहेंगे, इसके अलावा जब आप इसको सीख लेंगे तो कुछ भी बना सकते हैं, वो फिर आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू संजू जी। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, मैंने कोई भी टूल इसमें यूज नहीं किया है, वो टूल्स हैं जो आप घर में आराम से इजीली उसे यूज कर बना सकते हैं। ये देखिए ट्रस्ट मी कि अगर आप बनाएंगे इसको तो सब आपकी तारीफ करने वाले हैं। और अगर आप इसको इसके अलावा, जैसे ये तो मैंने पूरा बंच बनाया है, आप इसे सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, आप सिंगल ये बनाकर एक रख सकते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए इस एक ही चीज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। देखिए दिस वन ये ये देखिए, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैंने इसको अरेंज नहीं किया है, कुछ चीजें इसलिए अरेंज नहीं की, अगर मुझे आपको दिखाना है बहुत पास से तो मैं आपको दिखा सकूं, रीजन यही था। ये देखिए, अगर इस क्लास के बारे में आपको जानना है, फीस के बारे में जानना है, तो आप दिए हुए लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर आप पूछ सकते हैं। और देखिए इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, एक ही क्लास में ये बिल्कुल बहुत सारी चीजें मैं लेकर आई हूं, इसमें काफी सारी चीजें आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं सिर्फ एक ही क्लास के अंदर। हो सकता है कि आपको मेरे अलावा कहीं और भी एक क्लास मिल जाए, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं हो सकता, पर मेरी क्लास में जो भी आएगा उसको एक छोटी से छोटी चीजें बहुत बारीकी का ध्यान रखा जाता है। जिन्होंने भी मेरी क्लास पहले ज्वाइन की है वो अच्छे से बता सकता है कि हाँ उनको कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया, और सबसे बड़ी बात कि हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। और अगर वीडियोज में भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो डाउट्स भी ही आपके क्लियर किए जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। ये देखिए आप इसे स्मॉल में लगा सकते हैं, आप बिग वन में बना सकते हैं, इसे मैंने दोनों ही अरेंज किए, ये वाला और एक ये छोटा वाला, क्यूटी सा ये छोटू है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, आज मैं आपको एक छोटा सा की रिंग बनाना सिखाने वाली हूँ, और वो की रिंग है टेडी बियर। ये देखिए इसके प्राइस के लिए ममता जी आप दिए हुए लिंक पर और नंबर पर आप पूछिएगा। आई होप कि आपको सबको क्लियर दिख रहा होगा, तो हम ये टेडी बनाने जा रहे हैं, दिस वन, ये की रिंग है जो आपको मैं सिखाने वाली हूं। हम क्ले लेंगे पहले। अच्छा, क्ले से काम करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को क्लीन कर लेना है,
और क्लीन करने के बाद थोड़ा सा वैसलिन लेना है, क्योंकि जब तक अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हेलो हेलो अंजू जी। तो टेडी बियर किस कलर का बनाना चाहिए? मैं लाइट स्काई ब्लू कलर का बनाती हूँ, या व्हाइट कलर का भी अच्छा लगेगा। चलो आप लोग सजेस्ट करो कि किस कलर का टेडी बियर बनाना चाहिए, स्काई ब्लू कलर या सेम यही कलर हमें यूज करना है, या व्हाइट कलर? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आप लोगों को भी बनाना है बाद में। मुझे लगता है शायद आप लोगों को लगता है कि मुझे अपनी मर्जी से बना देना चाहिए, है ना? तो मैं अपनी मर्जी से स्काई ब्लू बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं इसे। तो मैं इसमें थोड़ा सा व्हाइट ऐड करने वाला किया है इसमें क्ले। और फर्स्ट रूल जो मैं हमेशा बताती हूँ कि क्ले से काम करने के लिए सेम, ओह रितु जी आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, मैंने अभी क्ले निकाल लिया है, कोई बात नहीं, हम सेम बनाते हैं। मैं इसको वापस रख देती हूँ। मैं जो काम करती हूँ वो दो क्ले में काम करती हूँ, एक थाई क्ले से और एक होममेड क्ले। ये मेरी होममेड क्ले है जिससे मैं अभी भी सिखा रही हूँ आपको। तो हम थोड़ी सी क्ले लेंगे व्हाइट क्ले। हाँ ये बिल्कुल होममेड क्ले है विद्या जी। इसमें हम थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड करने वाले हैं। और ब्राउन कलर लेंगे हम थोड़ा सा, जो भी लेंगे हम ये थोड़ा सा हम इसमें ब्राउन कलर ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम बनाना है तो हमें ब्राउन कलर लेना पड़ेगा, है ना? और इसको इसमें तो मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, आप मुझसे बातें कर सकते हो। जब तक आप मुझे बातें नहीं करोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जितना हो सके आप इस क्लास को शेयर कीजिए। ताकि और लोग जुड़ सकें और लोग भी सीख सकें, है ना? और इस क्ले की सबसे बड़ी खासियत क्या है देखिए, कुछ नहीं होता है, बस इसको अच्छे से अरेंज करना आना चाहिए। ममता जी इस पे दिए हुए लिंक पे और दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑयल कलर है सारे, वैसे तो आप दूसरे कलर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा कलर करना है, पर इसके लिए बेस्ट जो होता है वो ऑयल कलर ही होता है। देखो जब हमारा ये अच्छे से नीड हो जाता है, ये देखिए इसमें कोई भी क्रैक नहीं आएंगे, ये देखिए।
ये देखिए इसमें शाइन आने लगती है। अगर इसमें शाइन आने लगे तो समझिए आपका क्ले रेडी है काम करने के लिए। तो हम बहुत छोटा सा बनाने वाले हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा टेडी बनाने वाले हैं। उसके लिए हम ये देखिए ये लेंगे, छोटा सा टाइनी बॉल बनाएंगे, देन उसको हल्का सा ऐसे टीयर ड्रॉप में लेंगे शेप में, उसको हल्का सा नीचे से प्रेस करेंगे, देन इसको इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए दिख रहा है ना। फिर हम इनके क्या बनाने वाले हैं, लेग बनाने वाले हैं, दिस वन है ना। तो हम छोटे छोटे से फिर से टाइनी बॉल लेंगे, वन एंड टू, जो लोग भी मुझसे जुड़ते हैं, जो भी इस क्लास को लेते हैं, रियली उनको बहुत मजा भी आता है और उनको पता है कि मैं कितने अच्छे से उनको एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे नहीं पता कि और लोग कैसे और किस तरीके से बताते हैं, पर मुझे ये पता है कि मेरी क्लास में जो भी लोग जुड़ते हैं उनकी एक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है और उनको इतने ईजी वे से मैं बताती हूँ कि वो बहुत अच्छे से उसे कैचअप कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि क्ले वर्क देखकर सुंदर तो लगता है पर लोगों को लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। हाँ बिल्कुल आप बना सकते हो। ये देखिए टाइनी हमने वही ड्रॉप बनाए, हल्का सा इसको फ्लैट कर दिया। अच्छा मैं किसी का रिप्लाई ना कर पाऊं तो सॉरी सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं दोनों साइड अपना ध्यान नहीं रख सकती, मतलब पर मेरे टीम मेंबर्स हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने इनके लैग बना लिए। अब हम इससे छोटे छोटे से बनाएंगे, इनके प्यारे प्यारे से बनाएंगे हैंड। उसके लिए हम और भी छोटा टाइनी बॉल लेंगे, सेम लेंगे, वन एंड टू। ये देखिए ये देखिए है ना, ये नीड हम ऑलरेडी कर चुके थे तो इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें फिर से हमें वही टीयर ड्रॉप बनाना है और टीयर ड्रॉप बनाने के बाद इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर देना है। ये देखिए फिर सेकंड वन बनाएंगे, इसको वही टीयर ड्रॉप सेम, और इसको ऐसे प्रेस कर देना है। और इस तरीके से है ना। अब हम क्या बनाने वाले हैं, इसका हेड बनाने वाले हैं, दिस वन। तो हेड बनाने के लिए हमें फिर से एक बॉल बनाना पड़ेगा और वो बॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम क्या लेने वाले हैं, क्ले। उसको नीड हमने किया हुआ है तो नीडिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको ऐसे हल्का हल्का सा सर्कल बना लेंगे। ये देखिए अब एक चीज देखिए इसमें जो मैं आपको बताने वाली हूं, ये इसका बॉडी पार्ट और ये इसका फेस, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं साइज में। आई थिंक इसका बॉडी पार्ट मुझे थोड़ा अभी भी बड़ा लग रहा है और इसका जो हेड है बहुत थोड़ा छोटा लग रहा है। टेडी बियर जब भी हम बनाएंगे या ऐसे कुछ भी यूज करेंगे तो उसमें हम हेड थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तो इसलिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, क्ले को एड ऑन कर देंगे। ये थी बहुत छोटी छोटी सी और माइनर बातें जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें मैं आपको जब ये क्लास आप लेंगे तो उसमें बताया गया है किस तरीके से कर सकते हैं, और इसके एक तरीका नहीं, मैंने बहुत तरीके बताए हैं।
जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको बना पाए। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से और इसके ईयर बनाने हैं हमें, तो छोटे छोटे और टाइनी बॉल लेंगे। ये देखिए सेम लेंगे हम, क्योंकि हमें टेडी बियर्स के ईयर बनाने हैं। ये देखिए 1 एंड 2 है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे। और इसमें भी मैं कोई टूल यूज नहीं कर रही हूं, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए अब अभी तक मैंने कोई टूल यूज नहीं किया है कि आपको लगे कि आपको बहुत सारी चीजें परचेज करनी पड़ जाएंगी, आपको बहुत अगर आपसे नहीं बन पाया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और मेरी क्लास में जिन्होंने कभी क्ले से काम नहीं किया है वो भी क्ले से बहुत इजीली काम कर सकता है, क्योंकि मैं उनको बहुत इजी तरीके से सिखाती हूँ, बहुत आसान तरीके से बताती हूँ, ताकि वो क्लास को एंजॉय भी कर पाए, बना भी पाए, और जब बना के अपने घर में लगाए तो उनकी तारीफ भी हो। ये देखिए ये कलर का लेंगे हम, छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे इनके लेग पर बनाने के लिए। यहां पर हम इसको प्रेस करेंगे और ये देखिए फिर से हम एक और टाइनी बॉल लेंगे और यहां से प्रेस करेंगे और ये देखिए फिर से हम तो छोटी छोटी टाइनी बॉल बनाने वाले हैं। ये टेडी बियर के ये दिख रहे हैं ना, ये वाले फ्रंट पार्ट वही बनाने के लिए तो हम ये लेंगे, इसको प्रेस करेंगे और इस पे अटैच कर देंगे। ये देखिए एक और लेंगे, फिर हम इसके हैंड में लगाएंगे, इसको हल्का सा टाइनी बॉल बना के हल्का सा प्रेस करेंगे हैंड से, इसको हम फिर से इसमें लगा देने वाले हैं। ये देखिए मेरे माइंड में टेडी बियर बनाने का, कीरिंग बनाने का, आपको सिखाने का सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हम लोगों को छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद है और बहुत यूजफुल भी रहती हैं ये चीजें, और टेडी बियर तो मेरा फेवरेट है, तो आई होप कि आप लोगों का भी फेवरेट होगा। अब हम ये ईयर के लिए बनाएंगे। ये देखिए यहां पर इस तरीके से, और ये छोटू सा जब आप टेडी बियर बनाएंगे, कीरिंग बनाएंगे, आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो उसको भी बहुत पसंद आने वाला है। आप किसी को बर्थडे गिफ्ट कर सकते हैं, अपने कलीग्स को कर सकते हैं, है ना, अपने घर के लिए कीरिंग्स बना सकते हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी देती हूँ कि आप इसे कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम ये पार्ट लेंगे, थोड़ा फेविकॉल लेंगे, फेविकॉल लेकर हम उसे यहां पर लगाएंगे इस साइड एंड एक, ठीक है, और इसके लेग लेंगे यहां से, इसको हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। सेकेंड लेग लेंगे और इधर से यहां पे हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अटैच कर देंगे। देखिए सी है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से फेविकॉल लगाएंगे और टेडी बियर के ये जो हैंड हमने पहले बनाए थे इसको हम यहां से इसको अटैच कर देंगे, ये दिस वन। सेकंड यहां से ये देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास टूथपिक है तो आप टूथपिक ले सकते हैं, अगर आपके पास वायर है तो आप वायर ले सकते हैं,
इस हेड को यहाँ पर रखने के लिए। एक्चुअली ये अभी थोड़ा गीला है, गीले में हो सकता है ठीक से अरेंज ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले इसका माउथ बनाने के लिए हमें ये बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कलर का फिर से लेंगे क्ले और उसको नीड करेंगे। नीड करने के बाद इसको हम हल्का सा टाइनी बॉल बनाएंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे इसको, देखिए। और इसका माउथ बनाने के लिए हम ये लेंगे और यहाँ पर हल्का सा फेविकॉल लगाकर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये देखिए, आपके पास कोई टूथपिक हो तो टूथपिक से कर सकते हैं, टूल्स हैं टूल से कर सकते हैं, अगर वो नहीं है आप नाइफ से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको इमेजेस देना है हमें, हम इसे ऐसे लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर और इसकी आइस बनाएंगे। अब आइस के लिए यहाँ पर हम छोटे छोटे से ऐसे हॉल कर देंगे, ये देखिए। और ब्लैक कलर की क्ले लेंगे, ब्लैक शायद मेरे पास है नहीं, ये मैं मिक्स कर। मैं कलर निकाल देती हूँ, ब्लैक कलर। ओके, थोड़ा सा ब्लैक कलर है बिल्कुल छोटा सा, ये ब्लैक कलर लेंगे हम। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। थैंक यू रितु जी, जब आप लोग रिप्लाई करते हो ना तो रियली अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, वरना ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही, मतलब अपने आप को ही सिखा रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसमें से क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे इतना पार्ट, इस तरीके से, है ना। अब हम क्या करेंगे, लेंगे इसको यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे, ज्यादा लग गया कोई बात नहीं, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये जो क्ले है होममेड क्ले है, आप अपनी क्ले यूज कर सकते हैं, आप लमासा क्ले यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके क्ले यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, है ना। आपके पास जो भी अवेलेबल क्ले है आप उससे बना सकते हैं, पर ये जो क्ले है ये होममेड क्ले है और कुछ चीजें मैं थाई क्ले से बनाती हूँ।
स्प्रे वाला यूज करती हूँ मोस्टली मैं। अच्छा, मैं अभी जो नए लोग ज्वाइन किए हैं मैं उनको अभी एक चीज दिखाने वाली हूँ जो मैं क्लास लेकर आने वाली हूँ। अभी एक सेकंड रुकिए, तब तक इसका हेड भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, मुझे लगाने में भी इजी होगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको एक की रिंग बनाना सिखा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बनाना मैं सिखा रही हूँ। पर हम इसको लगा देंगे, ये देखिए। हाँ, आप लमासा क्ले से बना सकते हैं इसे। अब यहां पर हम इनके ईयर लगाने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, तभी मैं इसको इसके ऊपर अटैच कर सकती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, देखिए मैं अभी जो क्लास लेकर आने वाली हूँ, जो हमारी पेड क्लास है, वो ये क्लासेस है जो आने वाली है। जो नए स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है, मैं उनको दिखा रही हूँ ये क्लासेस। ये देखिए, ये क्लास है जो हमारी पेड क्लास अभी आ रही है, न्यू क्लास। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और इससे पहले भी बॉन्साई क्लासेस जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो अच्छे से बता पाएंगे कि हमने कितनी छोटी छोटी चीजें बहुत बारीकी से जो बताई गई है, जो बनाया गया है, उसकी हर एक चीज के बारे में हमने बहुत डिटेलिंग के बारे में बताया है। ये देखिए, और सिर्फ एक ही क्लास में आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिल रही हैं इसमें। ये दो प्लांट्स बनाए हैं, छोटा बनाया है, अरेंज किया है, एक ये बिग वन में अरेंज किया है। ये देखिए, इसमें स्ट्रॉबेरी है। ये देखिए, इतनी सारी चीजें आपको कोई नहीं सिखाने वाला, और इतने अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसकी डिटेलिंग देखिए कितनी क्लियर है हर एक चीज। ये देखिए, इसमें सीमा वर्मा जी, मैंने कोई टूल यूज नहीं किया, बहुत कम टूल यूज किए हैं। जो टूल है वो हम घर के टूल से भी बना सकते हैं, और कुछ टूल्स हैं जो सबके पास मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा टूल्स ये यूज किया होगा मैंने। मोस्टली इसमें कोई टूल यूज नहीं किए, ये सारा मैंने जो बताया है बहुत ऐसी टेक्निक यूज की है जो आप बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो विदाउट टूल्स। देखिए, ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि आप ये सीखेंगे तो आप कुछ और नहीं बना सकते हैं, इसके साथ आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, और न्यू चीजें खुद भी अपना
क्रिएटिविटी को यूज करके आप और भी कई चीजों को बना सकते हैं। ये देखिए, इसकी डिटेलिंग देखिए, कितने बारीकी से काम किया गया है, कितने नीट एंड क्लीन काम किया गया है। और यही आपको बताया, यही टेक्निक आपको सिखाई गई है। फीस के जानने के लिए आप ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्लिक कीजिएगा, मैं आपको उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपके जो भी डाउट्स हो इस क्लास को लेकर आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ये बनाना सीख जाएंगे तो आप सिर्फ ये एक ही प्लांट बना के, बहुत बड़ा प्लांट बनाकर आप एक ही पॉट में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये इंडोर प्लांट्स। ये देखिए, ये देखिए, इसको हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, जहां आपको पसंद आए। यहां स्नेल को कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये कैक्टस देखिए, स्ट्रॉबेरी देखिए, हर एक चीज, इसका काम देखिए। हो सकता है कि आपको बहुत जगह ये क्लासेस मिल जाएं। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये वाली क्लास तो मैंने वहां भी देखी थी पर उसकी फीस तो कम थी। कई बार ऐसा होता है, ये मेरे दिमाग में भी आता है कई चीजें। कई बार हम देखते हैं ना, जैसे शॉपिंग करने चले गए, तो एक सेकंड मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, ये शायद निकलेगा नहीं। ये देखिए, तो घबराने की भी जरूरत नहीं है कि ये टूट जाएगा, ये गिर जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक भी नहीं होने वाला है। ये तो होममेड क्ले है जो मैंने बनाया है, ये सारा होममेड क्ले से है। कुछ चीजें हो सकती है जो मैंने शायद थाई क्ले से बनाया है, लेकिन मोस्टली सारा ये होममेड क्ले से है। देखो, थाई क्ले का जो रिजल्ट आता है चारू जी, बहुत अच्छा आता है, तो मैं ये उससे कंपेयर नहीं करूंगी कोई और क्ले। पर हाँ, ये है कि जो हम लोग क्ले बनाते हैं वो थाई जैसी ही है, थाई नहीं है, क्योंकि थाई क्ले में बहुत सारी चीजें। मैं अब आपके थोड़े से इसको देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं इसको बता देती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये सिर्फ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको अटैच करना है। ये अभी गीला है जिसकी वजह से मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ, वरना ये गिर जाएगा। आप लोग यहाँ फेविकॉल लगाकर इसको अटैच कर दीजिए यहाँ पे। हाँ, अगर लोगों को चाहिएगी तो मैं क्ले सेल भी कर सकती हूँ, पर उसके लिए एक के लिए मंगाना इजी नहीं है। कम से कम 5 या 10 लोग होते हैं तो शायद मैं क्ले अरेंज कर सकती हूँ। हेलो सरिता जी, अभी ये गीला है, थोड़ा सा अगर ये ड्राई होता है तो मैं आपको दिखा दूंगी इसे करके। अभी जो हमने बनाया है वो ये बनाया है। ये होममेड क्ले है जो मैंने ये सिखाया, ये होममेड क्ले से है। इसमें थाई क्ले भी है, होममेड क्ले भी है, काफी सारी क्ले है। और मेरी होममेड क्ले भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि होममेड क्ले अच्छी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये मोस्टली कई चीजें मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो जितनी भी चीजें मैंने बनाई हुई है ये बहुत सारी होममेड क्ले से बना है, ये जो बनाया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड मैं फ्रंट कैमरा करती हूँ, फिर मैं आपको सारी चीजें थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। बस क्ले को हैंडल करना आना चाहिए, और मैं कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको सारी चीजें, सारे टिप्स मैं अपनी पेड क्लास में आपको देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि पेड क्लास में ही, जब भी मैंने फ्री क्लासेस भी ली हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई हैं, बताई हैं। इवन ये देखिए, छोटा सा बेबी, इनकी भी क्लास लेके आऊंगी जल्दी, पर अभी नहीं। ये डॉल्स, ये जितनी भी हैं बहुत सारी चीजें, ये होममेड क्ले से बनी हुई हैं बहुत सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए,
अभी ये किसी ने अपनी बेटी के लिए बनवाया है, डॉटर के लिए गिफ्ट करने के लिए। थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है इसमें, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है इस क्ले की, अगर ये ऐसे गिर जाता है, हमें लगता है ना कई बार छूट गया, गिर गया, फिर ब्रेक ना हो जाए, तो आपके घर में रखी हुई जितनी भी चीजें हैं वो ब्रेक नहीं होने वाली है। और इससे पहले जो मैं लेकर आई थी वो क्लास हमारी थी ऑरेंज बॉन्साई की, वो भी बहुत अच्छे से चली, बहुत लोगों ने इंजॉय किया उस क्लास को। अभी ये देखिए, आपको एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखिए मैग्नेट है, फ्रिज मैग्नेट, डिटेलिंग देखिए, ये देखिए कितना क्लियर है, हर एक चीज क्लियर है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सिक्योर कैसे करना है ना, वो सब चीजें मैं अपनी क्लास में आप लोगों को सिखाती हूँ, बताती हूँ। ये देखिए, अभी इनकम्प्लीट हैं ये कुछ चीजें, ये देखिए हेयर देखिए इनके, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से इसको अटैच करना है, हर एक चीज, हर एक पार्ट आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। मैं आपको फिर से दिखाने वाली हूँ फास्ट, क्योंकि ये वाली जो क्लास है, इस क्लास में आप एक नहीं, फिर से मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं इसमें। देखिए ये आप सीखने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, बहुत सारी चीजें इस क्लास में आप सीखने वाले हैं। देखिए, और ये घर में जब आप लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगने वाला है। ये देखिए, शूज वाली डॉल कौन सी, दिस वन, एक्चुअली डॉल्स बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, अब मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, कोई एक चीज नहीं है। फ्रिज मैग्नेट भी हैं, जो ये अभी ऑर्डर्स पे बनाए हैं मैंने, बहुत लोगों को पसंद आए, काफी सारी चीजें, ये फ्रिज मैग्नेट है, तो एक चीज नहीं है, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये वाली, ये देखिए शूज वाली, पीछे से देखिए, काफी सारी चीजें हैं। ये देखिए आपको एलिफेंट है, काफी सारी चीजें आपको दिखेंगी, टेडी बियर है, फ्लॉपी टेडी बियर, देखिए हमने अभी इस पे नंबर आपको शेयर कर दिया है, तो आप उस नंबर पर और उस लिंक पर जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे। अभी मैं ये टेडी बियर वाली क्लास नहीं लेकर आई हूँ, अभी जो क्लास आ रही है हमारी, ये सिर्फ ये क्लास आई है, आप इसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, एक चीज नहीं बहुत तरीके से सीखने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें बहुत नाम मात्र के टूल्स यूज किए हैं। ये देखिए, इसमें होममेड क्ले भी यूज किया है, थाई क्ले भी यूज किया है, तो ये देखिए,
हर एक बारीकी का ध्यान रखा गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको एक चीज नहीं, इस क्लास में काफी सारी चीज सीखने को मिलेंगी। हाँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके दूर किए जाएंगे। क्लास ओवर करने से पहले अगर आपके कोई डाउट्स हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो 5 मिनट के अंदर क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये वाली जो क्लास है अभी हम सिर्फ ये लेकर आए हैं। इससे पहले जो थी हमारी ऑरेंज बॉन्साई की थी क्लासेस, ये देखिए, सी ऐसा नहीं है कि मैं आगे से दिखाऊंगी, फ्रंट से आप पीछे से बैक से कहीं से भी इसको देख सकते हैं। इसके हर एक वर्क को बहुत बारीकी से देखिए, हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। क्लियरिटी इसमें क्लियर कितना होना चाहिए, बिल्कुल ये ओरिजिनल लगे उस तरीके से इसको बनाया गया है। ये रिकॉर्डेड ही क्लासेस रहेंगी, लेकिन आपके कोई डाउट्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो वीडियो बनाई जाती है उसमें हम एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, हर एक चीजों का, कि आपको किस तरीके से समझ में आ सकता है। हो सकता है कि जो चीज मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ नहीं आएगी, तो मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ। उसमें एक तरीका नहीं, 2-3 तरीके से मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ। हाँ, क्ले भी सिखाती हूँ, पर क्ले का एक अलग है कोर्स, और इसके साथ जो फ्री क्ले की जो क्लासेस हैं वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। लेकिन जो मेरी खुद की बनाई हुई क्ले है, जो मैं खुद बनाया है, उसकी मैं फीस लेती हूँ, उसके अलावा तो नहीं। ये देखिए, सी और ये देखिए, बहुत ओरिजिनल लगते हैं। ये देखिए, आप ये देखिए, इसको प्रेस कर देंगे फिर से वैसी हो जाएगा सॉफ्ट। ये देखिए, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप ये टेडी बियर थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो हम इसको हेड को ऐसे लगा सकते हैं। डिपेंड करता है इसको ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, आप कैसे भी करके इसको स्टिक कर सकते हैं और ये आपका फिर बन जाएगा बहुत प्यारा छोटू सा टेडी बियर, ऐसे की रिंग वाला। हाँ, चार्ज बिल्कुल बताएंगे सरिता जी, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके नहीं और भी लोगों के होंगे, तो आप दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइए, आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी, आपको क्या चाहिएगा क्या नहीं चाहिएगा, आपको जो भी जानना है आप दिए हुए नंबर पर और लिंक पर आप कर सकते हैं। हाय उषा जी, पर शायद आप उषा जी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अभी क्लास ओवर होने वाली है, पर हाँ अगर आपको कुछ जानना है तो आप इसके पीछे से आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड रहेगी, ये रिकॉर्ड आपको इस फेसबुक पे मिल जाएगी। पर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, कंपेयर मत कीजिएगा क्लासेस को, क्योंकि हम लोगों की होती है, लेडीज की तो खास तौर पे आदत होती है, हम कंपेयर करने लग जाते हैं क्लास को। अच्छा, ये क्लास इतने की है, अच्छा इसमें ये चीज था, दूसरे में तो इतना था, उसकी तो फीस इतनी थी। लेकिन फीस इतनी हो सकती है, हो सकता है इससे कम फीस भी हो सकता है इससे ज्यादा फीस हो जो इसकी क्लासेस की होंगी, जो पेड क्लासेस की हैं। पर ट्रस्ट मी कि उसमें बहुत सारी टेक्निक नहीं बताई गई होंगी, इसमें जितने सारे मैंने प्लांट्स बनाने सिखाए, इतने प्लांट्स नहीं सिखाए गए होंगे, और सबसे बड़ी बात इसकी जो छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया गया है, शायद वो भी ना दिया गया हो। ये देखिए, हर एक चीज बहुत ओरिजिनल लगने वाली है। ये देखिए, बहुत छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है, और सबसे बड़ी बात
कि किस तरीके से आपको समझ में आ सकता है उसका ध्यान रखते हुए उस तरीके से वीडियो बनाई गई है। अगर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता है या कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम आप पिंग कर सकते हैं, तो आपकी हर एक क्वेरीज जितनी भी है या फिर कोई डाउट्स होते हैं उनको दूर किया जाता है। चलो इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं ओवर करती हूँ, इसको खत्म करती हूँ, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखेंगे। आई होप कि आपने ये टेडी बियर एंजॉय किया होगा और आप इसको बनाएंगे और किसी को गिफ्ट करेंगे। ओके देन, बाय बाय।